खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। मार्च को निर्भया के दोषियों को फांसी होगी और 3 मार्च को सुबह 6 बजे फांसी होगी निर्भया के दोषियों को। तो तीसरा ये दैट ने जो फैसला किया है, हम उसके आगे ये जो हमारी लीगल एमडी है, हम उन पर आगे अवेल करेंगे और आगे उसमें प्रोसीड करेंगे। जस्टिस दिखना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। केवल दीवारों पर लिख देने से, अखबारों में, समाचार पत्रों में, रेडियो में लिख देने से एसएस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबके लिए गलत है। न्याय होना भी चाहिए गरीबों के वकील एपीसी जो ये बता रहे हैं कि अभी भी हमारे पास में यानी कि दोषियों के पास में कानूनी विकल्प मौजूद है और इस वजह से अभी 3 मार्च को जो फांसी की तारीख तय कर दी है, लेकिन फांसी होना थोड़ा मुश्किल है। एक बार सिंह साहब से बात करते हैं। सिंह साहब ये बताइए कि 3 मार्च को नई फांसी की तारीख है, लेकिन आपके मुताबिक अभी भी कानूनी विकल्प ऐतिहासिक बहुत विकल्प बाकी है, बहुत विकल्प है। ये प्रेशर है, ये आप लोगों का मीडिया पब्लिक और पॉलिटिकल प्रेशर है जिसकी वजह से लगातार फांसी की तारीख जल्दी दी जा रही है। नहीं, बिल्कुल क्या करेंगे, क्या करें, जो लीगल प्रोसेस है कन्विक्ट के कंडमन, ये फांसी की सजा की बात आप कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। बताइए कि अगला मार्च क्या है आपका? हम उम्मीद करते हैं कि 3 मार्च का फाइनली हो 3 मार्च को लटक जाए, क्योंकि मैं बहुत खुश इसलिए नहीं हूँ कि दो, ये तीसरी बार डेट ओरेंज जारी हो गया है। दो बार कभी नहीं छोड़े, आज भी उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि 3 मार्च फाइनल डेट होगा। तो आज डेट दे दिया गया है, एक तसल्ली तो जरूर है। हाँ, बिल्कुल तसल्ली है, खुशी भी है कि हम इतना संघर्ष कर रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं कि उनको कब रेमडी पूरी हो, कब उनको डेट ऑरेंज निकले, तो फाइनली आज डेट। पहले आपकी नाराजगी भी थी कहीं ना कहीं पटियाला कोर्ट से कि यहाँ पर आपको जो है इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, डेट वारंट नहीं जारी किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट इसमें गाइडलाइन दे, लेकिन आज का दिन इतना संतुष्टि भरा। मुझे बहुत संतुष्टि है, कई बार होता सिचुएशन ऐसा होता है, आके टूटना पड़ता है, लेकिन फिर भी हम कभी हार नहीं माने, और फाइनली कहते हैं ना कि देर है अंधेर नहीं है, फाइनली एक बार फिर आज डेट वारंट मिल गया है। हम उम्मीद करते हैं कि 3 मार्च को वो फांसी पे लटकेगा। तो निर्भया की मां को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि 3 मार्च को सुबह 6 बजे फांसी होगी इन दोषियों को, क्योंकि तीसरा डेथ वारंट जारी किया गया है कोर्ट की तरफ से। पहले 2 जो डेथ वारंट है वो जारी किए गए थे, लेकिन प्रेशर अभी भी बरकरार है, आप देख रहे हैं। मानवाधिकारों के लोग, संगठनों के लोग मानवाधिकार के कितने यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं कि फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए, फांसी की सजा संविधान के खिलाफ है, फांसी की सजा महात्मा गांधी के सिद्धांतों के खिलाफ है, फांसी की सजा हमारे वो अवेल कर लो। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही कि 11 तारीख को खत्म हो रही है, अगर 11 तारीख तक कोई नई रेमेडी उन्होंने अवेल नहीं की तो मेरे हिसाब से अब उनके पास कोई रेमेडी नहीं बची है और 3 मार्च को हम ये डेट तय पाए। और पवन के वकील की बात करें जो कि हाल ही में चेंज हुआ है, रवि काजी नए वकील आए गए हैं, तब भी क्या मामले में देरी हो सकती है इसके चलते? देखिए, कोर्ट ने सिर्फ खाना पूरी की है, मुकेश की तरफ से जिस तरह से एक और प्लॉय लिया गया था तो इस केस को फर्दर डिले करने के लिए, तो लेकिन जबकि उसकी सारी रेमेडीज ओवर हो चुकी है, तो कोर्ट ने इस चीज का संज्ञान लिया, उन्होंने एमाइकस की जगह जो है जो लीगल एड काउंसिल को अपॉइंट किया है और उन्होंने जो है उसको अपॉइंट करने के बाद सारी चीजें की हैं। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ निर्भया के वकील जो निर्भया का केस लड़ रहे हैं जितेंद्र जाट, जिनका साफ तौर पे कहना है कि 3 मार्च को नया डेथ वारंट जारी हो गया और उन्हें अभी पूरी उम्मीद है कि 3 मार्च को जो दोषी है उन्हें फांसी जरूर होगी। कैमरामैन गोपाल के साथ अनीशा दीक्षित, जनतंत्र।